प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नैसकॉम वार्षिक सम्मेलन का आज उद्घाटन करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। पीएम मोदी नैसकॉम लीडरशिप फोरम को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि 17 से 19 फरवरी तक NTLF के 29वें एडिशन का आयोजन हो रहा है। पहली बार इस सम्मेलन का आयोजन ऑनलाइन किया जा रहा है। सत्रह से 19 फरवरी तक NTLF के 29वें एडिशन का आयोजन होगा। पहली बार यह सम्मेलन ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है हमारी दिल्ली संवाददाता प्रीत किरण। प्रीत किरण, क्या कुछ कार्यक्रम है? जी बिल्कुल, जैसे कि उम्मीद लगाई जा रही है, पीएमओ की ओर से जानकारी आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी करीब 12:30 बजे इस कार्यक्रम में वर्चुअल तौर पर जुड़ेंगे और अपना संबोधन देंगे। करीब अलग अलग देशों के 1600 जो प्रतिभागी हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 30 से अधिक उत्पाद जो है वो प्रदर्शित किए जाएंगे। मूल रूप से कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी की ओर से आत्मनिर्भर भारत को इस कार्यक्रम में जुड़ने के बाद बल दिया जाएगा। लोकल को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री हमेशा से बोलते रहे, आत्मनिर्भर भारत की बात करते रहे, वर्चुअल तौर पर हाइपर वर्चुअल वर्ल्ड में किस तरीके से भारत की एक चमक हो, किस तरीके से भारत और विस्तार करे और नई नई जो विश्व स्तर की जो जिम्मेदारियां हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, भारत उसमें किस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके, इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी आज अपना संबोधन देंगे। आज से जो प्रोग्राम है ये शुरुआत की जा रही है, 19 तारीख तक चलेगा। 3 दिन का जो प्रोग्राम है NTLF की ओर से ये ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, 29वां संस्करण बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, पहली बार ये वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। जी पहली बार वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। COVID-19 देखते हुए इस तरीके का प्रारूप रखा गया है। हालांकि नैसकॉम लगातार टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप के फोरम को लेके लगातार इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित करती रही है, लेकिन पहली बार इस तरीके से वर्चुअल तौर पे प्रधानमंत्री जुड़ेंगे। तमाम जो प्रतिभागी हैं वो भी वर्चुअल तौर पे जुड़ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरीके के कार्यक्रम से वर्चुअल क्षेत्र में भारत और अधिक विस्तार कर सकता है। जिस तरीके से अलग अलग प्रमुख जो जुड़ रहे हैं कंपनीज के, तो उनके माध्यम से प्रौद्योगिकी के जिस तरीके से प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत किस तरीके से और विस्तार करे, किस तरीके से नए निर्माण करे, भविष्य में किस तरीके का नया जो रोड मैप है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वो किस तरीके से तैयार किया जाएगा, अन्य कंपनियों को भारत में काम करने के लिए, नई खोज करने के लिए किस तरीके से इन्वाइट किया जा सके, प्रधानमंत्री मोदी की ओर से आज के भाषण में जो वर्चुअल भाषण है उसमें पूरी तरीके से संबोधन के माध्यम से बताया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत जिस तरीके से है, मेक इन इंडिया की बात की जाती है प्रधानमंत्री की ओर से, तो इसमें अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी उन पॉइंट को भी बताएंगे किस तरीके से टेक्नोलॉजी का युवा जो है किस तरीके से बेहतर इस्तेमाल करे, किस तरीके से नई जो कंपनीज है वो किस तरीके से भारत के लिए काम करे, युवाओं के लिए काम करे। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारी दिल्ली संवाददाता प्रीत किरण, जिन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।